गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि बताया सैटरडे है और मैं बालकनी में आया हुआ था। थोड़ा वेदर साफ है लॉकडाउन की वजह से। तो कल जैसे आपको पता है कि नेम गिविंग सेरेमनी थी, हमने नाम रख लिया है और नाम है ननू का विराज, विराज अग्निहोत्री, तो अब से इसी नाम से जाना जाएगा। लॉकडाउन का एक जो पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं कि आप घर फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बट नेगेटिव ये है कि आपको सारा अपना मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ती है। जैसे मैं सुबह बुक्स लेके बैठा और कुछ मैंने वर्क किया और सब कुछ नए सिरे से करना पड़ रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और विराज के काम भी बीच बीच में है, तो वो भी करके घर के काम भी हैं क्योंकि मेड वगैरह नहीं आती, सब मिलजुले करना पड़ता है। और ये एक काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन है, बट हाँ, इसको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाली। और होप फॉर द बेस्ट एंड कीप योरसेल्फ सेफ। तो थोड़ा काम करके अब मैं विराज के पास आया हूँ। विराज आराम से हमेशा की तरह लेटा हुआ है। बीच बीच में कभी उसका नोज़ ब्लॉक हो जाता है तो वो थोड़ा परेशान करता है, बट अब सोया हुआ है। और जब वो सोया होता है मैं उसके पास आके बैठ जाता हूँ और उसे उठाने का मन करता है, लेकिन वही बच्चा है तो ज़रा सोया पड़ा रहता है जैसे सुलाऊ से। बाकी हाँ, इसके आने से लाइफ तो काफ़ी चेंज हुई है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। पहले जो एक फ्रीडम लगता था कि नहीं, मैं कुछ भी इतना सीरियसली नहीं लेता था काम को, अब वो सीरियसनेस तो आ गई है। और ठीक बोलते थे लोग कि खुद ही आएगी। मुझे तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम लगता था, बट हाँ, वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है और डरने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो विराज भाई साहब सो रहे हैं और इसके मम्मी खाना खा रहे हैं। तो हमें हाँ, एक चीज़ का हमको उसकी पॉटी का बहुत ख्याल रहता है कि इसने की कि नहीं की, ठीक है। तो हम बहुत खुश होते हैं जब ये पॉटी करता है। तो मैं पॉटी चेक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ननू ने पॉटी कर दिया अभी, तो पॉटी साफ करेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ चाय बना लूँ, फिर चाय पियेंगे। और 5 बज गए आज का दिन, तो थोड़ा आलस वाला रहा था। मैंने तो आज कुछ काम नहीं किया, वर्क फ्रॉम होम था, बस ज़्यादा किया नहीं। और न्यूज़ देख रहा था थोड़ी में, तो कोरोना वायरस, दो इवेंट्स हिस्ट्री में बहुत याद किए जाएंगे। एक तो मेरी शादी और एक ननू का बर्थ। मेरी शादी में क्या हुआ था, हरियाणा ब्लॉक हो गया था। हरियाणा ब्लॉक मतलब जो आंदोलन हुआ था वो कोई नहीं भूलेगा। और इसके बर्थ पे क्या हुआ, दुनिया ब्लॉक हो गई, वो तो पूरी दुनिया ही नहीं भूलेगी। तो अभी पॉटी साफ करेंगे और चाय पियेंगे। तो वैसे आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। ननू सो रहा है, अब सोने की कोशिश कर रहा है। और आज के दिन की जो हाईएस्ट पॉइंट था, अचीवमेंट थी, वो ये था कि ननू ने पॉटी कर ली, विराज ने पॉटी कर ली, और उसमें मैं इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप भी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, एक्सपीरियंस करेंगे कि जब बच्चा पॉटी करता है तो बहुत मज़ा आता है। चलो गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।